जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वाईफाई एग्रो में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर बॉटनी इन यूपी कैटेट एग्जाम। इसका मतलब है कि आपकी यूपी कैटेट के एग्जाम में जो एग्रीकल्चर बॉटनी से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो उनका जो तो जिन टॉपिक्स से वो आते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप करे हमारी वीडियो को आखिर तक देखिए। फ्रेंड्स, हमारी जो आज की वीडियो है उस वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए इन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इन 12 पार्ट में आपको डिवाइड किया हुआ है ताकि आपके बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ में आ जाए। तो नंबर वन पे आता है फ्रेंड्स आपका पादप अंग की बाह्य आकारिकी। पादप अंग जिसमें कि मुख्य आपकी जड़, आपकी पत्ती और आपके फूल, ये मेन है पादप अंगों की जो बाह्य आकारिकी में जो पादप अंग है, ये तीन जो पादप अंग है ये आपके इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका अन्य पौधों के भाग एवं संशोधन, यानी कि इसी में आता है कि जो अदर प्लांट्स होते हैं उनके जो पार्ट हैं एवं उनके जो संशोधन है, यानी कि उनके बारे में जानकारी वो आपको इसमें करनी है। नेक्स्ट नंबर टू आता है फ्रेंड्स पुष्प संरचना। पुष्प की जो संरचना होती है वो किन किन भागों से मिलकर बना हुआ आता है वो नंबर, उसके पुष्प के प्रकार, उसके भाग और भागों के कार्य। फिर आता है फ्रेंड्स पुष्परम। पुष्परम कितने प्रकार का होता है, परागण और परागण के प्रकार, ये आपको स्टडी करनी है। परागण कितने तरह का होता है, परागण के प्रकार और परागण होता कैसे है, इनकी स्टडी करनी है फ्रेंड्स। नंबर तीन पाता है फ्रेंड्स सीड। सीड की जो संरचना, नंबर वन सीड का अंकुरण कैसे होता है, इनमें दो तरह के सीड होते हैं मोनोकोट और डाइकोट, एक बीजपत्री दो बीजपत्री, उनके कार्य प्रसार, ये इनकी आपको स्टडी करनी है। मेन मेन जो एडिंग है वो आपको बता रहा हूँ। बीज की डेफिनेशन आपको बहुत जरूरी पता होनी चाहिए, सीड कैसे किस हैं। फिर आता है फ्रेंड्स आपका नंबर फोर फ्रूट। फ्रूट के प्रकार और प्रसार, फ्रूट कितने तरह के होते हैं और फ्रूट का प्रसार कैसे होता है, ये आपके मेन है। नंबर फाइव पे आता है फ्रेंड आपका इंटरनल मॉर्फोलॉजी इन स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। इंटरनल मॉर्फोलॉजी होता है फ्रेंड्स पौधे की जो जैसे जड़ होगी, तना हो गया, उसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी, अनुप्रस्थ काट काटने के बाद सूक्ष्म दर्शक जब उसको देखते हैं तो उसको इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल की जो स्ट्रक्चर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता समझ में होनी चाहिए। फिर आता है फ्रेंड्स सेल डिवीजन, दैहिक और अर्धसूत्री, ये आपको पता होना चाहिए। ऊतकों के रूप में कोशिका का संगठन, ऊतकों के रूप में जो छोटे छोटे टिश्यू होते हैं, टिश्यू के रूप में जो कोशिका का संगठन होता है उसको आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड मोनोकोट और डाइकोट रूट की आंतरिक संरचना। मोनोकोट और डाइकोट रूट की आंतरिक संरचना, स्टेम एंड लीफ, जो स्टेम एंड लीफ है फ्रेंड्स उसके जो माध्य का विकास, बीच वाला, एक तो प्राइमरी एक होता है लास्ट, एक जो बीच का प्राइमरी विकास होता है उसको आपको स्टडी करना है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लगते हैं। फिर आता है फिर एंजियोस्पर्म में प्रजनन अंगों की संरचना। जो एंजियोस्पर्म बीज होते हैं उनके प्रजनन अंगों की जो संरचना होती है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स पादप शरीर क्रिया। पादप शरीर जो होता है उसकी क्या क्या क्रियाएं होती हैं, इसकी प्राइमरी स्टडी जो होती है, इनकी जो बेसिक जो है वो आपको स्टडी करनी है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका रूट हेयर, जो पौधे की जड़ें होती हैं, पौधे की जड़ों पर भी जो जो रूट हेयर होते हैं छोटे 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 बाल से होते हैं, उनकी आपको स्टडी करनी है। और इनके स्ट्रक्चर और वाटर एब्सॉर्बेंस यानी कि पानी का अवशोषण, हेयर टिश्यू, हेयर जो रूट हेयर होते हैं उनके द्वारा पानी का जो अवशोषण होता है वह किस तरीके से होता है, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एब्सॉर्प्शन। नंबर नाइन आता है फ्रेंड्स आपका वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आता है वाष्पोत्सर्जन के कार्य, इसका महत्व। फिर आता है फ्रेंड्स कार्बन संरचना, कार्बन की संरचना के बारे में आपको स्टडी करनी है, आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स की पत्ती स्टोमेटा के कार्य। पत्ती में जो स्टोमेटा होते हैं उनके कार्य क्या होता है? पत्ती के स्टोमेटा कार्य है एक्स्ट्रा वाटर को वास्तुसृजन की क्रिया द्वारा निकालना, मतलब इस तरीके से आपके कई सारे इसके वर्क होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। सरसन, सरसन के प्रकार, सरसन के कार्य, जहां तक संभव हो बोटनिकल फैमिली की स्टडी होनी चाहिए आपको, जहां तक भी आप पॉसिबल हो सके बोटनिकल फैमिलीज जो होती हैं उनकी आपको स्टडी करनी है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या कौन सी फैमिली होती है। और जो उसमें प्राइमरी स्टडी करनी है यानी कि फिर जो इंपॉर्टेंट फैमिली आपकी क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, चार फैमिली आपकी इंपॉर्टेंट होती है, इनको आपको बेस से हाई बेस तक आपको करना है। फिर आता है प्राइमरी स्टडी ऑफ दिस प्लांट, प्राइमरी स्टडी यानी कि शुरुआती अध्ययन। आपका मॉन्स, फर्न, म्यूकोर और बैक्टीरिया, ये चार तरह के प्लांट होते हैं, मॉन्स, फर्न, म्यूकोर एंड बैक्टीरिया, इनको आपको स्टडी करनी है, इनमें से आपके क्वेश्चन लग जाते हैं। अगर फ्रेंड आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स हमारी वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन पर बेल के आइकन पर ऑल का बटन क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो हमारी आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।